लोग उतरे हैं, उसके बाद अब ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें मुरादाबाद से, जहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद गुस्से में तमाम लोग सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध, और उसके बाद अब हिंदूवादी संगठन उतरे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। देखिए जरा डीएम ऑफिस के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी हालांकि मौके पर हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी नारेबाजी, लगातार अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा। बड़ी संख्या में अलग अलग हिंदू संगठनों के लोग, हनुमान चालीसा इसलिए करा कि जब हम, चूंकि एक शांति प्रिय लोग हैं, उपद्रव भी नहीं है, कप्तान ने हमारी बात नहीं सुनी, हम जिलाधिकारी महोदय के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा करने बैठ गए। लेकिन अगर ऐसी घटना आगे भी पकड़ी गई तो हम निश्चित कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता कोई कमजोर नहीं है, बजरंग दल कोई कमजोर नहीं है, हम अपने हाथ से रोकेंगे। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी गोविंद फोन लाइन पर जुड़ चुके। गोविंद, अली वर्सेस बजरंगबली की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हिंदूवादी संगठन लगातार नारेबाजी, हनुमान चालीसा का पाठ, बताइए क्या जानकारी आपके पास? लोगों का आरोप है कि लगातार यहाँ संक्रमण के मामले आ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन कोई गंभीर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो लेकर उन्होंने आज एक नया तरीका अजमाया और डीएम ऑफिस के बाहर यह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं हिंदूवादी संगठन? अब डीएम ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं और वहां पर लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, क्या कहना है इनका, क्या चाहते हैं? जी, इनका ये कहना है कि जब हम जिला प्रशासन से इस तरीके से बात करते हैं कि कार्रवाई पर ये कार्रवाई जैसे की आगे हमने लेकर विरोध उठाया है और बुलाया। चले ठीक, ठीक है गोविंद, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हिंदूवादी संगठन के तमाम कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं अलग अलग जगहों की। अब आप तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के बागपत, शामली, मुरादाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ये एक तरीका हिंदूवादी संगठनों के द्वारा अपने विरोध को दिखाने का, नाराजगी को दिखाने का, नाराजगी को बयां करने का, क्योंकि लगातार गुस्से में है और फिर सड़कों पर उतरकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं, समझाने की कोशिश हो रही है, मामले को शांत करने की कोशिश, लेकिन ये तस्वीरें लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, बागपत में भी वही हालात, सड़कों पर उतरे बड़ी संख्या में लोग और फिर तस्वीरें उभर कर सामने आई। हाईवे पर हनुमान चालीसा का पाठ, नमाज होगी तो हनुमान चालीसा भी, ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान, आस्था का ये कौन सा तरीका? अब सड़क पर आस्था का नया शगुफा उत्तर प्रदेश में छिड़ चुका है, शहर शहर अब आस्था के नाम पर ऊपर वाले की इबादत का मजाक बनाया जा रहा है। तर्क है, अगर सड़क पर नमाज हो सकती है तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं? बंगाल से शुरू हुआ दो कौमों में इबादत का कंपटीशन अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। 3 जुलाई को मुजफ्फरनगर में, 10 जुलाई को अलीगढ़ में, 16 जुलाई को हाथरस में, 19 जुलाई को बुलंदशहर में और अब बागपत में हाईवे पर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद शुरू हो चुकी है। धर्म की आड़ में किस तरह से सियासी प्रतिस्पर्धा में धर्म को खतरनाक बनाया जा रहा है, इसकी तस्दीक आप इन तारीखों से कर सकते हैं। कैसे धर्म की धुरी पर आस्था नाच रही है, ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ सड़क पर नमाज अदा की जा रही है और दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। बागपत में बड़ौत नगर पालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ौत कोतवाली के नेशनल हाईवे पर हनुमान चालीसा पढ़ी और कहा कि अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो हिंदू भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो वहीं बागपत से होते हुए धर्म का ये रोग शामली तक पहुंच चुका है। शामली में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसी बीच सड़क पर भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने अपना पाठ जारी रखा। लगभग 10 मिनट तक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी, मुस्लिम समुदाय के लोगों पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक नहीं लगाता है
तो इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को सड़क पर किया जाएगा। महेशगंज में अल्पसंख्यक लोग जो हैं वे सड़क पर अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, तो हम अपने मंदिर में, हमारा मंदिर जो है वो बाहर सड़क पर है, तो उस पर अपनी हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते? जाम करके सड़क को नमाज पढ़ी जाती है, उसी तरह हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये हर मंगलवार को ऐसे ही चलती रहे। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। अब रोजाना की तरह इसी तरह से हाईवे पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। यानी मामला आस्था का नहीं है, सारा मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है। सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर कई बार हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई, लेकिन पहली बार है कि नमाज के विरोध के बजाय अब सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। कॉम्पिटिशन तगड़ा हो चुका है। चुनाव से निकला अली बजरंग बली का मुद्दा अब सड़कों पर नमाज वर्सेज हनुमान चालीसा का हो गया है। भारत समाचार के लिए बागपत से देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, बरेली से बड़ी खबर है। बरेली में गौवंश पर बवाल शुरू हो